मरीजों को दिया जा रहा है यहाँ पर एक्सपायरी दूध और मदर डेयरी कंपनी का दिया जा रहा है यहाँ पर दूध एक्सपायरी दूध से हो सकती है फूड पॉइजनिंग। महिला की डिलीवरी के बाद दिया जा रहा दूध यहाँ पर मां और नवजात दोनों हो सकते हैं फूड पॉइजनिंग का शिकार। यहाँ पर बलिया महिला जिला अस्पताल का यह मामला बताया जा रहा है जहां पर अस्पताल में मरीजों को यहाँ पर एक्सपायरी दूध दिया जा रहा है, मदर डेयरी कंपनी का दिया जा रहा है दूध। ये एक्सपायरी दूध से यहाँ पर फूड पॉइजनिंग की भी यहाँ पर आशंका। और सर्वेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। सर्वेंद्र, यहाँ पर ये एक्सपायरी दूध क्यों यहाँ पर मरीजों को और नवजात बच्चों को जो शिशु हैं पैदा और उनको दिया जाता है? सर्वेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो दोबारा बात करेंगे सर्वेंद्र से। फिलहाल देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मदर डेयरी का ये एक्सपायरी दूध है जो माँ और बच्चे यानी महिलाओं को और नवजात बच्चों को यहाँ पर दिया जाता है। और इसके बाद देखिए अब ये तस्वीर जो है वो साफ हो गई है। सर्वेंद्र विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेंद्र, एक्सपायरी दूध यहाँ पर दिया जाता है महिला को डिलीवरी के बाद नवजात बच्चों को यहाँ पर, अब जब तस्वीर साफ हो गई है इस तरीके की तो उसके बाद क्या एक्शन हुआ इस पर? देखिए ये बहुत बड़ी बात, यहाँ पे ये जिला महिला अस्पताल का मामला है जहाँ पे एक्सपायरी दूध दिया जा रहा है। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है स्वास्थ्य विभाग की, बलिया के स्वास्थ्य विभाग की, लेकिन अभी तक इस मामले का संज्ञान सीएमओ को लेना चाहिए, लेकिन अभी तक इस मामले का संज्ञान नहीं लिया है। आपको बता दें कि माँ जब आती है यहाँ पे तो इस उम्मीद से आती है कि उसको स्वस्थ खुराक दिया जाएगा, स्वस्थ खाना दिया जाएगा, इसके बावजूद ये बहुत बड़ी लापरवाही है स्वास्थ्य विभाग की, बलिया के स्वास्थ्य विभाग की खासकर, जिसको देखा जाए कि जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है और कहीं ना कहीं जो नवजात है उसके ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि हालांकि जब ये खबर चली है उसके बाद जो सीएमओ बलिया है वो हरकत में आए हैं और उन्होंने कहा है कि इसकी जाँच की जाएगी और जाँच के उपरांत जो भी कार्रवाई होगी वो जरूर होगी। जी शिवांगी, बहुत शुक्रिया सर्वेंद्र तमाम जानकारियों के लिए।